जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का प्रारंभ किया जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत हर गांव में हर व्यक्ति को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुंचाने के लिए एक सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसका पुराना नाम है सब सेंटर। तो इस पुराने सब सेंटर को कन्वर्ट करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इसको कन्वर्ट किया गया है ताकि वहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं वो अपग्रेड हो जाएँ और वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ लोगों को पहुँचा सके और सारे व्यक्ति स्वस्थ हो। तो इस वाले सेंटर के लिए एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाता है जिसकी पोजीशन होती है, जिसका एक तरीके से नाम होता है, वो होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। तो आज हम बताने वाले हैं हमारे वीडियो में कि आप किस प्रकार से CHO बन सकते हैं यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बन सकते हैं। तो ये एक एंट्रेंस से लेकर अपॉइंटमेंट तक का एक प्रोसेस होता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसके आधार पर आप CHO बन सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी JNM वाले हैं या BSc नर्सिंग वाले हैं या MSc नर्सिंग या जिसने डॉक्टर डिग्री कर रखी है, BMS कर रखा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जिनके पास डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है या फॉर एग्जांपल डिग्री कोर्स है या डॉक्टरल डिग्री है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। तो इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से वो अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं, उसके नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और उस रैंक के लायक बन सकते हैं ताकि जितनी भी वो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर उपलब्ध हैं वो व्यक्तियों को प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए ही ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स, myself हरि सिंह नागर एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज हरि नागर झालरा पाटन एंड द वेबसाइट इज www.youtube.com/c/harinagar05889। अगर आपको ये हमारा वीडियो अगर समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं व्हाट्सएप के अंदर कि सर ये ब्रिज कोर्स क्या होता है, कैसे होता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है और ट्रेनिंग के बाद में फिर इसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं और CHO कैसे बनते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है वो क्या करता है, एक वैकेंसी निकालता है, उस वैकेंसी का नाम है CHO यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सो सबसे पहले रिक्रूटमेंट निकलता है और ये रिक्रूटमेंट किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से निकल सकता है। जैसे और जब भी इस प्रकार की कोई वैकेंसी आती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाली, तो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग चीज़ें होती है कि कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाता है, कोई ऑफलाइन फॉर्म भरवाता है। तो उस वाली कंडीशन में आपको मैं दोनों मोड बताना चाहूँगा कि आप दोनों मोड में किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मोड आता है हमारा वो आता है ऑनलाइन मोड या ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो संस्था होती है या कोई ऑफिशियल जो चीज़ होती है उसके एड्रेस पर जाना पड़ता है, वेब पेज पे जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो उत्तराखंड की जो NHM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ukfhws.org। जब इसमें जाएंगे तो जैसे ही इसका वेब पेज खुलेगा तो उसमें एक सेक्शन होगा जिसका नाम है वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट सेक्शन। उस सेक्शन में जैसे ही आप खोलेंगे तो बहुत सारे लिंक मिलेंगे, तो आपको कौन सा लिंक खोलना है, CHO वाला। तो CHO वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में फॉर्म आपका खुल जाएगा
उसके बाद में आप सारी डिटेल्स अपनी भर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, या उसके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आपका, वो उसका स्कैन करके डाल सकते हैं या उसके बारे में भर सकते हैं, आपकी फ़ोटो डाल सकते हैं, सिग्नेचर डाल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी सारी डिटेल आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर डालना पड़ता है। जैसे ही आपने ये सारी डिटेल डाल दी उसके बाद में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। सेकंड आता है आपका ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म के अंदर क्या होता है, उसमें भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जैसे कि उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.ukfhws.org, इसके आप वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लिंक खुलेंगे, तो आपको CHO के लिंक में जाना है और CHO के लिंक में जाकर उसको क्लिक करना है तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में उसका प्रिंटआउट लेना है और प्रिंटआउट लेने के बाद में उस फॉर्म को भरना है। फॉर्म को जैसे ही भरेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हो गया, BSc या GNM या जो आपकी डिग्री है उसके सारे सर्टिफिकेट्स हो गए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी हो गया, काउंसिल का फोटोकॉपी हो गया, तो ये जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर्म के साथ में अटैच कर आप इनवेलप में पैक कर सकते हैं। इनवेलप में पैक करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको जो भी NHM का जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑफलाइन मोड। अब उसके बाद में क्या होता है, आपने जैसे ही फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद में कुछ दिनों के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है आपका, एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक तरीके से डेट आती है। तो जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ आती है तो आपके जो ईमेल होता है या जो आपके मोबाइल नंबर होता है उस पर एक एडमिट कार्ड आता है, तो उसमें क्या करेंगे आप, या तो आप जो उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में कभी कभी क्या होता है, वो उसमें कोई डिटेल नहीं होती, वो डिटेल आपको खुद भरनी पड़ती है, ठीक है। और बहुत सारे एडमिट कार्ड ऐसे आते हैं जिसमें डिटेल ऑलरेडी फिल होती है, तो उस एडमिट कार्ड के अंदर जैसे एड्रेस जहां पर आपका एग्ज़ाम होना है, आपके रोल नंबर, सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो आपने जैसे ही उसको डाउनलोड किया और निकाल लिया, उसके बाद में जैसे ही आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, मतलब एडमिट कार्ड लेके आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, तो उसके कुछ दिनों के बाद में उसकी आंसर की आ जाती है। और आंसर की आने के बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में एक लिस्ट बनती है जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट। वो मेरिट लिस्ट जो बनती है वो कैटेगरी वाइज बनती है, जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST, इसके आधार पर वो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। वो मेरिट लिस्ट बनने के बाद में क्या होता है, मेरिट लिस्ट बन गई उसके बाद में होती है आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इस काउंसलिंग में क्या किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाता है वहाँ पर, और उनसे एक इग्नू का फॉर्म भरवाया जाता है। जो इग्नू है दिल्ली में उसका एक फॉर्म भरवाया जाता है, और फॉर्म भरने के साथ में आपके जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है करीबन 1,04,300 का उत्तराखंड के अंदर, वहाँ बॉन्ड भरना पड़ता है। तो उस बॉन्ड को भरने के लिए आपको एक तरीके से स्टाम्प पेपर पर सारी चीज़ें लिखवानी पड़ती हैं, उसके बाद में वो सिग्नेचर करके वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, और उसी के साथ में आपको 1,03,400 का DD भी जमा करना पड़ता है। क्योंकि कुछ स्टेट में क्या है कि आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाता है, लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर उस चीज़ को, उस जॉब को छोड़ते हैं तो आपसे 1,04,300 रुपीज़ लिए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पर 1,78,000 का बॉन्ड है, तो वो पैसे पहले नहीं ले रहे हैं। वो क्या करेंगे, जब भी आप 3 साल के अंदर कोई वो जॉब छोड़ के जाएंगे तो वो आपसे 1,78,000 आपसे लेंगे, आपको उसको देना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या है, वो पहले से ही ले लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने 3 साल कंटिन्यूस जॉब कर ली तो 3 साल के बाद में आपको वो DD मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 साल के अंदर वो जॉब छोड़ दें तो 1,03,400 का जो DD है वो रख लेते हैं। तो ये इसमें बॉन्ड भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है इग्नू का ब्रिज कोर्स के लिए,
और उसी के आधार पर जो हमारी मेरिट लिस्ट बनी है उसी के आधार पर आपको जो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर आपका ब्रिज कोर्स होना है वो आपको अलॉट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के अंदर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, एम्स ऋषिकेश है, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है और भी कई सारे कॉलेज है जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें हो गई, काउंसलिंग हो गई, उसके बाद में एक ये बाई फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या आपके ईमेल के माध्यम से आपको ये मैसेज सेंड करते हैं कि आपको इस तारीख से ये ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना है, तो आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है जो कि 6 मंथ का होता है और इसमें साल में 2 बैच चलते हैं। फर्स्ट बैच जो होता है जनवरी से जून होता है और सेकंड होता है जुलाई से दिसंबर, यानी कि 2 बैच चलते हैं 6 मंथ के। और इन दोनों बैचों में क्या होता है, थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। थ्योरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 11 बुक्स होती हैं और प्रैक्टिकल के अंदर 7 to 8 बुक्स होती हैं। उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर आपकी लॉग बुक भी होती हैं जो कि आपको पूरी की पूरी भरनी पड़ती हैं। और थ्योरी के अंदर जो होता है हाफ ड्यूरेशन थ्योरी का होता है और हाफ ड्यूरेशन प्रैक्टिकल का होता है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर देखा जाए तो जो थ्योरी का जो पोर्शन है ओनली 20 डेज के लिए है और क्लिनिकल का जो पोर्शन है ओनली 50 डेज के लिए, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 70 डेज की ट्रेनिंग की जाती है। अब ये जो हमारी थ्योरी पोर्शन हुआ और क्लिनिकल पोर्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो फिर आपका आता है फाइनल एग्ज़ाम। उस फाइनल एग्ज़ाम के 2 तो थ्योरी एग्ज़ाम होंगे और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, उसकी स्कीम क्या होती है, किसके आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं थ्योरी के अंदर। फर्स्ट आता है BNS 41 और सेकंड आता है BNS 42। तो ये दोनों जो पेपर होते हैं 100-100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि BNS 41 100 मार्क्स का और BNS 42 100 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अब चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। जो BNS 41 है उसमें 70 मार्क्स का टर्म एंड एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका फाइनल पेपर होगा 70 मार्क्स का, और जो रिमेनिंग जो 30 मार्क्स आपके बचे हैं वो मिलेंगे आपको असाइनमेंट में से। जो आपने असाइनमेंट बनाया है वो बनता है 100 नंबर का, तो उसका 30% वेटेज लिया जाता है और वो 30% वेटेज 70 मार्क्स जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें ऐड कर दिया जाता है और उसमें से जितने नंबर आते हैं वो आपके मेंशन कर दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से BNS 42 में भी सेम टू सेम BNS 41 की तरह ही होगा। फिर आता है प्रैक्टिकल का पोर्शन। अब इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं BNS 43। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, Lab 1 और Lab 2। Lab 1 भी 100 मार्क्स का है और Lab 2 भी 100 मार्क्स का है। टोटल मिलाकर 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन जो आपका फाइनल जो मार्क्सशीट बनेगी उसके अंदर ओनली 100 मार्क्स होगा। अब जो आप 100 मार्क्स होगा वो किसके आधार पर होगा, चलिए देखते हैं। Lab 1 जो 100 मार्क्स हैं उसका ओनली 70% वेटेज उठाया जाता है, जबकि Lab 2 का ओनली 30% वेटेज उठाया जाता है। अब जो Lab 1 है आपका है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जैसा कि आपका फाइनल एग्ज़ाम हुआ था एक्सटर्नल, उसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है एक्सटर्नल वाला, तो उसका ओनली 70% वेटेज रखा जाता है। इसमें जो जो टीचर आता है वो बाहर से आता है एग्ज़ाम लेने के लिए, तो वो 70 मार्क्स में से देगा आपको। बल्कि जो Lab 2 होता है वो होता है आपका कंटिन्यूशन इवोल्यूशन क्राइटेरिया। जब आप क्लिनिकल में जाते हैं, आप लॉग बुक भरते हैं, आप जो भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसका वेटेज होता है 30%। तो अब इसमें Lab 1 और Lab 2 में क्या करना पड़ेगा, आपको 70 में से 35 लाना पड़ेगा और 30 में से 50 नंबर लाना पड़ेगा। अगर किसी भी पोर्शन में 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आप इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो आपको कम से कम 50% तो आपको लाना ही पड़ेगा दोनों Lab 1 और Lab 2 में। उसी तरीके से जो हमारा फाइनल पेपर हुआ था BNS 41 और 42 का, उसके अंदर भी आपको 50-50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा असाइनमेंट के अंदर, एज वेल एज आपका जो फाइनल पेपर हुआ था 70 मार्क्स का उसमें भी आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं।
अब जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है वो इग्नू करवाता है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा था ब्रिज कोर्स का वो इग्नू के माध्यम से ही भरा था। इग्नू ने ही आपका एग्ज़ाम करवाया और इग्नू ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है, जो कि उसकी जो वेबसाइट है वो है www.ignou.nic.in। अब इसमें आप जैसे ही जाते हैं तो इसके जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है या रिज़ल्ट वाला जो जोन होता है उसके अंदर आप जा सकते हैं और आप अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और रिज़ल्ट आपके इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आता ही है, साथ ही साथ जो आपका एक जो रिज़ल्ट आता है वो आपके होम एड्रेस पर भी चला जाता है। फिर उसी के आधार पर एक रैंक लिस्ट बनती है, इसमें कैटेगरी वाइज नहीं बनेगी, इसमें ओनली रैंक लिस्ट बनेगी, मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पर ही उन व्यक्तियों का काउंसलिंग की जाती है और उस काउंसलिंग में उन सारे व्यक्तियों को जिनकी रैंक अच्छी बनी है तो उनको अच्छे सेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं या उनकी प्रेफरेंस के आधार पर उनको सेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं। और जैसे ही वो सेंटर अलॉट होता है तो आपको एक आध महीने के अंदर आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाता है, और जैसे ही आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचता है तो विद इन वन मंथ आपको इसकी ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। और इस ज्वाइनिंग के दौरान आपको उत्तराखंड के अंदर 25,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होगी और 15,000 आपका इंसेंटिव्स होगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर 40,000 है, जो भी हिली एरियाज हैं, जो भी नक्सलाइट एरियाज हैं वहाँ पर 40,000 है, और जो रिमेनिंग जो प्लेन एरियाज हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, MP हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर ओनली 35,000 वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है।